पेट्रोल पंप्स की नीलामी के लिए इश्तेहार जारी। 24 पेट्रोल पंपों की नीलामी 12 अप्रैल को एलडीए कम्युनिटी सेंटर में होगी। फार्मूले के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 2 पेट्रोल पंप्स आउटफॉल रोड 60 लाख रुपए, फिरोजपुर रोड की नीलामी की कीमत 36 लाख रुपए रखी गई है। 22 लीज शुदा पेट्रोल पंप्स की पहली बोली में लियाकत अली पेट्रोलियम जीटी रोड चाहदरा की नीलामी 60 लाख रुपए, शेख पेट्रोलियम सर्विसेज किला गुजर सिंह 12 लाख रुपए, वाल्टन गैसो लाइन कोट लखपत 60 लाख रुपए रखी गई। रईस अहमद कुरेशी पेट्रोलियम शादमान 30 लाख रुपए, इंसाफ मोटर्स किला गुजर सिंह 24 लाख रुपए मुकर्रर। इलाही फिलिंग रेलवे स्टेशन 24 लाख रुपए, सईद सीएनजी चुंग 54 लाख, अजीज फिलिंग स्टेशन लोयर माल 60 लाख, सुल्तान बाहू फिलिंग स्टेशन मैक्लो रोड 12 लाख रुपए रखी गई, शाहीन फिलिंग स्टेशन गढ़ी शाहू 60 लाख रुपए, गार्डन सर्विस स्टेशन बागबानपुरा 24 लाख रुपए मुकर्रर। इस तरह शेरांवाला फिलिंग स्टेशन 30 लाख रुपए, साबरी फिलिंग स्टेशन मोरी गेट 24 लाख रुपए, मियां लतीफ सर्विस चुबुर्जी 18 लाख रुपए, अजीज शिमला पहाड़ी फिलिंग स्टेशन 24 लाख रुपए रखी गई, एरो हेड पेट्रोल पंप वहदत रोड 54 लाख रुपए, मियां बिरादर पेट्रोल पंप सिकंदरिया कॉलोनी 8,40,000, खान एंड कूलिंग रावी रोड 12 लाख, हाईवे ट्रेडर स्टेशन बहावलपुर रोड 18 लाख रुपए मुकर्रर, दातागंज बख्श पेट्रोलियम स्कीम मोड़ 8,40,000, गुजरात फिलिंग स्टेशन मुल्तान रोड 60 लाख रुपए और बाबर फिलिंग स्टेशन सिंहपुरा 60 लाख रुपए रखी गई। इंतजामिया के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक पहले से पंप चलाने वाले लीज होल्डर्स को पहली बोली के मुताबिक कीमत अदा करने का इस्तेहकाक दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साले सईद का कहना था कि पेट्रोल पंप्स की नीलामी का अमल खत्म होने के बाद फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से मशरूत होगा। कैमरा टीम के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़।